फ्रेंड्स, इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनकर हो चुका है रेडी। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर। हे एवरीवन, तो कैसे आप सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च की अचार। तो यहाँ हमने हरा मिर्ची ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इसे हम इसके दो पार्ट करेंगे। इसे हमें पूरा नहीं तोड़ना है, इसे ऐसे बीच में आधा काट के छोड़ देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें इसी तरीके से करना है। तो हम जितनी भी मिर्ची है सबको इसी तरीके से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अब ले लिया है पैन, इसे गरम कर लिया है। अब हम बनाएंगे मसाला। तो मसाला रोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं सरसों। यहाँ हमने पीली सरसों का यूज़ किया। ऐड करेंगे हम धनिया जीरा। फ्रेंड्स, इसमें ऐड करेंगे मेथी। अब इसमें ऐड करेंगे हम सौंफ। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। हमें 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है इन्हें अच्छी तरीके से, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए, इनमें खुशबू ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसालों का कलर भी चेंज हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम को अब कर देंगे बंद। तो इसे हम जार में पीसेंगे। फ्रेंड्स, हमने ले लिया जार। इस जार में हम इसे पीसेंगे। हमें इसका पाउडर बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे ना तो हमने ज़्यादा दरदरा रखा है, ना ही ज़्यादा फाइन पेस्ट, हमने मीडियम में ही बनाया है इसे। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया है पैन। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को हमें गरम करना है क्योंकि हम अचार में ऐड करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐड करेंगे हम मसाला। तो इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं हल्दी। 1 चम्मच हमने हल्दी यूज़ किया है। ऐड करेंगे हम लाल मिर्च। हमने यहाँ पीसी हुई लाल मिर्च का यूज़ किया है सूखा। फ्रेंड्स, इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखा है, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। इसमें ऐड करेंगे हम कलौंजी। हमने थोड़ी सी कलौंजी यूज़ की है इसमें। तो अब ऐड करेंगे हींग। हींग अचार को टेस्टी बनाता है, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे हींग का। अब इसमें ऐड करेंगे हम आमचूर पाउडर। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐड करेंगे हम गरम तेल, जिसे हमने गरम कर लिया था। फ्रेंड्स, हमने गरम तेल डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले मिर्चियों में अच्छी तरीके से मिक्स हो। ऐड करेंगे हम मसाला, जिसे हमने पीस लिया था। अब मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरीके से ताकि जितने भी मसाले सब वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनकर हो चुका है रेडी। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है, इसका स्वाद खाने में वाकई बहुत टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें।